पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को बोलते वक्त संयम बरतने की सलाह दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और फारूक अब्दुल्ला की पीएम को सलाह, पद की गरिमा बनाए रखें पीएम। मनमोहन सिंह ने दिल्ली में कहा, सार्वजनिक भाषणों में बोलते वक्त संयम बरतें पीएम मोदी। सोमवार को मनीष तिवारी की किताब के विमोचन पर मनमोहन सिंह ने पीएम पर बयान दिया। फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स के विमोचन में मनमोहन सिंह और फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए। पीएम मोदी चुनाव प्रचार में कांग्रेस की पिछली सरकारों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, पीएम मोदी को अपने आचरण से उदाहरण स्थापित करने चाहिए। पीएम मनमोहन सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी को पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलते वक्त संयम बरतना चाहिए। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भाषण में माँ बाप को लाना पीएम का स्तर नहीं है। माय एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर इज दैट ही शुड एक्सरसाइज ड्यू रेस्ट्रेंट बिकमिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री मस्ट सेट एन एग्जांपल। मेरी माँ को गाली, मेरे बाप को गाली। प्राइम मिनिस्टर के लेवल है माँ और बाप। आई हैव नेवर यूज्ड माय फादर एंड मदर इन माय लैंग्वेज। व्हाट इज दिस? मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ये सलाह यूपीए के वक्त देनी चाहिए थी। ये बात सही है, लेकिन ये एडवाइस वो बहुत देर में दे रहे हैं। ये उस वक्त देते जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही थी और उसमें वो हिस्सेदार भागीदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा अत्यंत अमर्यादित और कभी कभी अभद्रता की सीमा तक चली जाती है। जब अपने विरोधी दल के नेताओं के बाप दादा नानी नाना तक पहुंच जाते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री पद का अपमान।